शिव पंचायत शिव महापुराण की कथा को जो अपन श्रवण करने के लिए बैठे हैं। कल शिव पंचायत में पांच देवताओं में अपन आदिशक्ति दुर्गा भवानी तक पहुंचे थे। मां दुर्गा तक अपन पहुंचे और कल कथा में कहा था शिव पंचायत के पांच देवों में दुर्गा जी, बमलेश्वरी जी, मां अंबा, मां दुर्गा, ये अग्नि का स्वरूप है। पंच तत्व में जल श्री गणेश जी महाराज हैं, वायु श्री विष्णु जी हैं, पृथ्वी मेरे भोलेनाथ जी हैं और अग्नि कौन है, जम के बोलो जरा, मां दुर्गा, मां बमलेश्वरी, मां देवी, मां दुर्गा, मां भवानी, मां अष्ट सिद्धि। पंचायत का चुनाव होता है, आप वोट देते हैं। विधायक का चुनाव होता है, आप वोट देते हैं। अध्यक्ष का चुनाव होता है, आप वोट देते हो। विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, जो भी बनाया अपने पंचायत का, सरपंच बनाया, पंच बनाए या पंचायत के प्रतिनिधि बनाए, तो उसकी भी वोटिंग होती है और जो श्रेष्ठ होता है उसी को वोट देकर पंचायत का सदस्य बनाया जाता है, उसी को विधायक बनाया जाता है, उसी को सांसद बनाया जाता है, उसी को श्रेष्ठ बनाया जाता है। बोलो सही है, और जम के तो बोलो जरा, जो श्रेष्ठ होगा, विद्वान होगा, उस कार्य को संभालने में प्रबल होगा, जिसमें ये अच्छे गुण होंगे, उसी को आप वोट देकर उसको सरपंच बना दोगे, उसको पंचायत का सदस्य बना दोगे, उसको विधायक बना दोगे, उसको आप सांसद बना दोगे, उसको आप श्रेष्ठ बना दोगे। तैतीस कोटि देवता हैं, इतने सारे, और तैतीस कोटि देवताओं में से ये पांच को शंकर की पंचायत में बिठाया गया है। गणेश जी, विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा भवानी और सूर्य नारायण भगवान, ठीक है। तो अब इनको वोट किसने दिए होंगे, इनको श्रेष्ठ किसने बनाया होगा, एक बात अपने जीवन में उतार कर रख लीजिए। आज ये शिव महापुराण के पावन चरित्र को आप सुन रहे हो, शिव पंचायत शिव महापुराण को, तो अपने जीवन में उतार कर रख लो। कोई जरूरी नहीं है कि कोई वोट देगा तो ही आप श्रेष्ठ कहलाओ, कोई जरूरी नहीं है कि कोई आपको वोट देगा या आपकी तारीफ करेगा तो आप श्रेष्ठ कहलाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है श्रेष्ठता हम अपने आप से प्रकट कर सकते हैं, दुनिया के सामने भले मत लाओ पर अपने भीतर से श्रेष्ठता को प्रकट करो, जिससे उस परमात्मा को ठीक लगे, और जब परमात्मा को ठीक लगेगा अनुभूति अपने आप होगी। अपने भीतर से श्रेष्ठता ले, अपने भीतर से जब हम श्रेष्ठता लेकर आएंगे, अपने भीतर से जब हम श्रेष्ठता को प्रकट करेंगे, कुछ हमें दुनिया के सामने ठीक होने के लिए नहीं। दो तरह की सफाई होती है, बहुत ध्यान दीजिए महाराज। एक सफाई हाथ में झाड़ू पकड़ ली, काशी विश्वनाथ भगवान की शंभू शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी निदर्शन शंभू शरणे मांगू घड़ी रे। शिव का चरित्र कर रहा है, अब चित्त से वृद्धि से। कोई जरूरी नहीं है कि कोई आपको श्रेष्ठ घोषित करेगा तभी आप श्रेष्ठ हो। शिव महापुराण की कथा कह रहे, कोई जरूरी नहीं है कि कोई आपको श्रेष्ठ घोषित करेगा तभी आप श्रेष्ठ होगे।
शिव महापुराण की कथा कहती है, आप तो अच्छा कर्म करते करते चलिए अपने आप संसार सागर में, जब व्यक्ति श्रेष्ठ कर्म करते करते आगे बढ़ता चले जाता है तो खुद ही श्रेष्ठ बन जाता है, किसी को उस पर टीका लगाने की जरूरत नहीं पड़ती कि यह श्रेष्ठ है। घर में दो तीन तरह की बहुएं होती हैं, चार बहुएं हैं, पांच बहुएं हैं, तीन बहुएं हैं, दो बहुएं हैं, सबका स्वभाव अलग अलग, सबका नेचर अलग अलग। अब कोई इतनी सेवा करने में लग जाती है, कोई इतनी सेवा करने में लग जाती है, इतने काम में लग जाती है कि घर के लोग कहते हैं हाँ वो बड़ी अच्छी है, कोई कहता है छोटी अच्छी है, कोई कहता है मंजली अच्छी है, कोई कहता है संजली अच्छी है। अगर अच्छा काम कर रहे हैं आप, यदि श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं तो आप में खुद श्रेष्ठता है। अब देखिए भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मा श्रेष्ठ हैं, गणेश श्रेष्ठ हैं, देवी श्रेष्ठ है, सूर्य श्रेष्ठ हैं, जितने 33 कोटि देवी देवता हैं ये सब श्रेष्ठ हैं, ये सारे के सारे देवता श्रेष्ठ हैं। पर इन सारे देवताओं में ये पांच देव को निकालकर ही पंचायत क्यों बने, और उसमें भी मां दुर्गा भवानी को बनाकर बिठा दिया क्यों? एक बड़ा सुंदर संवाद शिव महापुराण के अंतर्गत देवी भागवत में स्कंद पुराण में आता। एक अरुण नामक का असुर हुआ, क्या नाम था उसका? अरुण। ये अरुण नाम का जो असुर था ये यज्ञ आगे बढ़कर करवाता था और ब्राह्मणों से कहता था तुम यज्ञ करो, ऋषियों से कहता कि तुम यज्ञ करो, और ब्राह्मण और ऋषि यज्ञ करने में लग जाते हैं। और जब यज्ञ करने के दो तीन दिन निकलते, सात दिन का यज्ञ है, पांच दिन का यज्ञ है, चार दिन का यज्ञ है, आठ दिन का यज्ञ है, तो दो तीन दिन जैसे यज्ञ के निकलते ये अरुण अपने जितने दूत हुआ करते थे, जितने असुर हुआ करते थे, उनको भेज देता और सब यज्ञ को नष्ट करवा देता। ऐसे संसार सागर में भी बहुत सारे अरुण असुर जैसे हैं, बहुत सारे असुर मिलेंगे इसी में के जो कहेंगे हाँ हाँ तुम ये काम करो, और जब उसने कह दिया कि तुम ये काम करो और तुम जैसे इस कार्य के लिए आगे बढ़े और उसने तुमको बढ़ते हुए देखा, दो तीन दिन तुम अच्छा काम करते रहे करते रहे करते रहे, इतने में वो असुर क्या करता है कि खुद काम नहीं बिगाड़ता, वो दूसरे से कहकर उस काम को बिगाड़ता। और ये असुर ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे मोहल्ले में बहुत सारे असुर हैं ऐसे हैं। जब बहुएं बहुत अच्छे से काम संभाल लेती हैं, जब बहुएं बहुत अच्छे से ससुराल में आकर रहने लगती हैं, बहुत प्रेम से काम संभाल लेती हैं, बहुत अच्छे से रहने लगती हैं, बहुत अच्छे से सब काम करने लगती हैं, कुछ महीने, दो महीने, चार महीने, छह महीने, एक साल, डेढ़ साल, दो साल निकलता है और इन बहुओं को ये असुर मिल जाता है। और वो असुर क्या कहता है? तू अकेली लगी रहती है, तू अकेली करती रहती है, घर में इतने सारे लोग पड़े हुए हैं वो क्यों नहीं करते, तेरे माथे पर सब कुछ है क्या, तू ही करेगी क्या? मतलब ये असुर अब जब देख लेता है कि अच्छा काम हो रहा है, अच्छे से सब कार्य चल रहा है, अच्छे से सब आगे बढ़ रहा है, सब काम श्रेष्ठ हो रहा है, तो ये असुर उसको बिगाड़ने लगता है, ये असुर उसको समाप्त करने लगता है। अब ये असुर कहीं दूसरी जगह नहीं मिलने वाले। ये अरुण नाम का असुर देवी भागवत कहती है, स्कंद पुराण कहती है, शिव महापुराण कहती है, ये अरुण नाम का असुर यज्ञ चालू करवाता था और पीछे से किसी को भेज देता था और यज्ञ खंडित करवा देता। क्या होगा उससे? यज्ञ चालू कराकर यज्ञ को खंडित करने से कौन सा लाभ? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि यज्ञ इसलिए चालू करवाया कि देवताओं का आह्वान हो गया। जब हमारे यहाँ कोई पूजन होती है तो हम देवताओं का आह्वान करते हैं,
गणेश जी का, पार्वती जी का, शिव जी का, लक्ष्मी जी का, विष्णु जी का, कुल देवता का, कुल देवी का हमने आह्वान करा। तो आवाहन किया गया मतलब देवता आ गए। अब देवता यदि आ गए और मेहमान तुम्हारे घर में आ गए और मेहमान को तुमने बुलाया चार दिन के लिए और दो दिन में मेहमान को तुमने भगा दिया, तो मेहमान जगह जगह जाकर कहेंगे कि नहीं कहेंगे, बुलाया था चार दिन के लिए, भगा दिया दूसरे दिन, बताओ पूछा तक नहीं, पानी तक नहीं दिया, भोजन तक नहीं कराया, चाय तक नहीं पिलाई, आदर नहीं करा, सम्मान नहीं करा, सत्कार नहीं करा, तो मेहमान चले गए। उसी तरह अरुण देवते ने, अरुण असुर ने, इस अरुण देवते ने ये विचार कर लिया कि यज्ञ तो चालू करवाऊंगा, अनुष्ठान तो चालू करवाऊंगा, पर आधे में सबको भगा दूंगा। और आधा यज्ञ होता, आधा अनुष्ठान होता और आधे में ये सब खंडित करा देता। सारे देवता परेशान हो गए। अंत में अरुण देवते ने विचार कर लिया कि ऐसे काम चलने वाला नहीं है, मैं ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर लेता हूं और वो वर प्राप्त करता हूं जिस वर के बल पर मैं पूरे संसार में, देवलोक में, दानव लोक में और असुर लोक में और मृत्यु लोक में सब जगह पर मेरा ही राज स्थापित हो। ब्रह्मा जी और ब्रह्मदेव का जब तप करना प्रारंभ करा, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए महाराज, वर दे दीजिए। क्या वर? वर ये दीजिए कि मेरे प्राण न छूटें। ये राक्षस, असुर, दैत्य, दानव, असुर, राक्षस, जितने भी ये दानव आदिकारिक होते थे, ये जो वर मांगते थे ना, उसमें सबसे प्रबल वर मांगते थे कि मैं मरू ना, मेरे प्राण ही ना छूटे। कभी कभी हमारे भीतर भी राक्षस उत्पन्न हो जाता है, हम भी कभी कभी यही सोचते हैं, भगवान बस ऐसी कृपा कर दे मेरे प्राण नहीं छूटे, अभी थोड़े दिन और रह जाऊं। भगवते जी मारा प्राण, ओ जी मारा सांवरिया, सेवा करते करते मेरे प्राण छूट जाए, भगवान से ये प्रार्थना करो, भगवान से ये निवेदन करो कि मेरे सेवा करते करते, आराधना करते करते, भजन करते करते, कीर्तन करते करते, स्मरण करते करते मेरे प्राण छूट जाए। और भगवान से एक बात जरूर कहना, मृत्यु के समय पर सड़ाकर, शरीर को गलाकर, पलंग पर पटक कर मेरे प्राण मत छोड़ना। भगवान से कहना अगर प्राण छोड़ना तो मैं कहीं मंदिर में भजन कर रही हूँ, कथा सुन रही हूँ, स्मरण कर रही हूँ, संकीर्तन कर रही हूँ, मंत्र जाप कर रही हूँ, नाम जाप कर रही हूँ, भगवान तुम्हारा नाम ले रही हूँ, एक लोटा पानी मैं भगवान को समर्पित कर रही हूँ, मैं भगवान की भक्ति में लगी रही हूँ और भगवान के स्मरण में डूबी हुई हूँ और भगवान का भजन करते करते अगर मेरे प्राण छूट जाए, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं होगा, उससे बढ़कर कोई आनंद की अनुभूति नहीं। अगर भजन करते करते प्राण जाए तो उससे बढ़कर सुकुर क्या हो सकता है? भजन करते करते अगर प्राण चले भी जाए तो उससे बढ़कर कुछ सौभाग्य नहीं हो सकता। महाराज मैंने तेरे ही भरोसे, ओ भोले तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी सदगुरु मैं तेरी, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। इतनी कृपा करना, बस जब प्राण छूटे
एक भजन आप लोग बहुत पहले गाते थे, शायद याद होगा आपको भी, हमको तो पूरा याद नहीं है, पर एक आध लाइन तो थोड़ी सी आप लोग भी गुनगुना लेंगे। इतना तो करना स्वामी जब आता है आप लोगों को, जरा जम के गाओ, हमको सुनाई देना चाहिए। इतना तो करना स्वामी जब गोविंद नाम लेकर चले प्राण तन से। गंगा जी का तट हो, यमुना का वनवासीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। महाराज हमारे हृदय की बात हम भगवान से कहते हैं कि इसी कृपा करना कि जब मेरे प्राण छूटे आप मेरे सम्मुख में हो, आप मेरे सामने। पर आज का व्यक्ति इसको उल्टा गाएगा, मोबाइल जेब में धरा हो, निकले हेडफोन कान में लगा हो, तो जाके प्राण तन से निकले, ऐसे निकल जाएंगे। कोई साजिश नहीं है। वो दीदी ने लिखा है कि मेरा विश्वास इतना प्रबल हो गया है हम लोगों का कि ऐसा लगता है कि शिवजी से कहेंगे और हमारा काम हो जाएगा। मतलब दृढ़ता, भरोसा, विश्वास प्रबल हो चुका। अब टूटने वाला नहीं। आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता प्रबल होना चाहिए। महाराज अरुण असुर ने ब्रह्मा जी से वर मांगा, मेरे प्राण ना छूटे। भगवान ब्रह्मदेव ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मरना तो पड़ेगा, मृत्यु तो निश्चित है, प्राण छूटेंगे ये पक्का। तो मुझे वर दे दो। क्या वर दीजिए? अगर आप वर देना चाहते हो तो ये वर दो कि पृथ्वी पर विचरण करने वाले दो पैर वाले और चार पैर वालों से मेरे प्राण ना छूटे। सब अच्छे से सुन लेना यार, शिव पंचायत में दुर्गा जी को क्यों रखा गया, बहुत सावधानी से कथा सुनिए। आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे आपसे पूछेंगे कि शिव पंचायत में विष्णु जी थे, शंकर जी थे, ब्रह्मा जी नहीं थे, सूर्य नारायण भगवान थे, गणेश जी थे, तो दुर्गा जी को क्यों रखा गया? दुर्गा शक्ति का प्रतीक। यह हमारा सनातन धर्म कह रहा है, यह हमारा हिंदू धर्म कह रहा है, यह हमारा सनातनी भाव कह रहा है कि घर में जब कोई निर्णय लिया जाता है किसी सनातनी के घर में, किसी हिंदू धर्म के अंतर्गत किसी सनातनी के घर में जब कोई निर्णय लिया जाता है तो घर की माता से, घर की स्त्री से, घर की बहन से भी पूछा जाता है कि आप हमको ये कर लेना चाहिए। यह सनातनी धर्म के अंतर्गत, ये हिंदू धर्म के अंतर्गत। बाकी के दूसरे धर्म में स्त्री से कोई निर्णय नहीं लिया जाता, दूसरे धर्म के अंतर्गत स्त्री का कोई निर्णय नहीं माना जाता, दूसरे धर्म के अंतर्गत स्त्री से नहीं पूछा जाता कि तुम ये निर्णय देने के लायक हो, तुम ये निर्णय दोगे। पर केवल एक सनातनी धर्म, केवल एक हिंदू धर्म के अंतर्गत स्त्री से भी पूछा जाता है, जब कोई संबंध करा जाता है, कोई कार्य किया जाता है, कोई दुकान डाली जाती है, कोई व्यापार किया जाता है, कोई व्यवसाय किया जाता है, कोई अच्छा काम किया जाता है, कोई यज्ञ अनुष्ठान तथा भागवत सत्संग संकीर्तन सत्यनारायण भगवान की पूजन अर्चना कुछ भी करी जाती है, तो घर की माता से, घर की स्त्री से भी पूछा जाता है, घर की किसी भी एक माता से, एक नारी से, एक स्त्री से पूछा जाता है, क्यों मम्मी, क्यों माँ, क्यों आई, ये कर ले क्या, माँ हम ये कर ले, दादी हम ये कर ले, बहन हम ये कर ले, धर्मपत्नी से पूछते हैं क्यों हम ये कर ले। अर्थात केवल एक सनातनी धर्म के अंतर्गत ये
देवताओं से हमको सीखने को मिलता है कि सनातनी धर्म के अंतर्गत नारी को भी निर्णय देने का हकदार बनाया गया है। शिव पंचायत के अंतर्गत नारी को भी निर्णय देने का हकदार बनाया गया है। बहुत सुंदर शिव महापुराण की कथा है, आप उसको समझ लोगे तो जीवन की सार्थकता है। पशुपति व्रत में जो पांच दिए लगाए जाते हैं, उन पांच दिए में सबसे पहला दिया ना तो गणेश जी का लगता है, ना विष्णु भगवान का लगता है, ना शिव जी का लगता है, ना कार्तिकेय का लगता है, ना सूर्य देव का लगता है। पशुपति व्रत में सबसे पहला दिया, सबसे पहली जोत, सबसे पहली अग्नि मां दुर्गा के नाम की ही प्रज्वलित की जाती है। क्यों? पुरुष से ज्यादा स्त्री का हृदय कोमल होता है। एक बेटा अपने पापा से कहे, एक बेटा अपने पिताजी से कहे, पापा 500 रुपए चाहिए मुझे स्कूल में पिकनिक मनाने जाना, पिताजी देंगे? चलो फालतू की बात नहीं, कोई पिकनिक पिकनिक मनाने नहीं जाएगा, किसी को यहां वहां जाने की जरूरत नहीं है, घर में रहिए और पढ़ाई करिए। पिताजी बेटे को 500 रुपए नहीं देंगे, और वही बेटा जब मम्मी के पास जाएगा, माँ के पास जाएगा, दादी के पास जाएगा, दीदी के पास जाएगा, बहन के पास जाएगा, चाची के पास जाएगा, बुआ के पास जाएगा, और जाकर किसी भी स्त्री से, बुआ से, चाची से, दीदी से, मामी से, मम्मी से, माँ से, दादी से, नानी से, किसी के पास में भी जाकर कहेगा ना कि दादी, मम्मी, जीजी, बुआ, मुझे 500 रुपए की जरूरत है, क्या करना है तेरे को 500 रुपए का? पूछेगी जरूर दादी, पूछेगी जरूर माँ, अरे मेरे सारे दोस्त मिलकर पिकनिक मनाने जा रहे हैं तो मैं भी पिकनिक मनाने जाऊंगा। अच्छा पापा से मंगा, पापा ने तो मना कर दिया, फिर हम दे देंगे और तेरे पापा नाराज होंगे तो? अरे मम्मी तुम संभाल लोगी ना, 500 रुपए दे दो ना प्लीज। और माँ तुरंत 500 रुपए निकाल कर दे देती है, ये चल जा माँ, माँ उसमें वात्सल्यता, उसमें करुणता, उसमें हृदय की आनंदता माता के हृदय में रहती है। माँ ने तुरंत 500 रुपए निकाले दे दिए, माँ ने 500 रुपए निकाल कर दिए। जब पशुपति व्रत में सबसे पहला दीप, सबसे पहला दिया किसका लगाया जाता है? जम के बोलो जरा, माँ दुर्गा का, कुल देवी का, दुर्गा का, सिद्धात्री का, माँ बमलेश्वरी का, माँ तुलजा भवानी का, माँ चामुंडा का, माँ कात्यायनी का, जिसका तुम स्मरण करती हो, जिसको तुम भजती हो, जिसका तुम नाम जाप करती हो, उस देवी का दिया सबसे पहला लगाया जाता है। माँ दुर्गा का दिया ब्रह्मा जी से उस अरुण असुर ने, ब्रह्मा जी से अरुण असुर ने वर मांगा, मुझे वर दीजिए। क्या वर? वर ये दीजिए कि मृत्यु लोक में विचरण करने वाला चाहे 4 पांव का हो, चाहे 2 पांव का हो, कोई भी जीव हो, उससे मेरे प्राण ना छूटे, मेरे प्राण नहीं छूटे, ये वर मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा, ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, हम तुम्हें वर प्रदान करते हैं, ये 2 पांव वाला या 4 पांव वाला तुम्हारे प्राणों को हरण नहीं करेगा। ठीक है, अब अरुण असुर ने जो उपद्रव मचाना प्रारंभ करा, जो उपद्रव मचाना प्रारंभ करा, हर तरफ अपना ही अपना राज्य कर लिया, तब सारे देवता एकग्रित होकर शिव पंचायत में पहुंचे और भगवान शंकर के पास में जाकर उन्होंने निवेदन करा, शिव पंचायत में जाकर उन्होंने कहा कि हे भोलेनाथ,
ये अरुण असुर को मारना है। आपकी पंचायत में, आपकी सभा में किसी में इतना बल हो जो केवल अकेला जाकर इस असुर का संहार कर दे। कोई चले जाए। शिवजी तो कुछ बोले, शंकर भगवान कुछ शब्द बोले और बोलने के बाद शिव जी ने केवल माता दुर्गा जी से कहा, इशारे में आप जाइए और असुर का संहार कर दो। ब्रह्मा जी ने ठाका लगा दिया। आप जब कोई अच्छा काम करने के लिए जाते हो ना तो लोग तुम पर हंसेंगे। ये साहू परिवार जब कथा करवा रहा होगा ना तो भी लोगों ने ठाका तो लगाया होगा। हाँ, कोई इतनी बड़ी कथा करा लेगा तो हाँ। माँ जंगल में गांव और गांव में जंगल, जंगल में गांव, वहां इतने लोग कथा में पहुंच जाएंगे। अब तुम अंदाजा लगाओ, एक डूम तो ये फूल, दूसरा डूम वो फूल, तीसरा डूम ये फूल, और अलग से टेंट लगाना पड़ रहे हैं। जरा विचार करो, पहुंचे ना पहुंचे। और जितने यहां हैं उससे दुगने पेड़ों के नीचे। कोई नीम के पेड़ के नीचे, कोई बमूल के पेड़ के नीचे, कोई कहीं के पेड़ के नीचे, कोई कहीं के पेड़ के नीचे, कोई छपरा के नीचे, कोई दुकानों पर बैठे। आप कोई काम करने के लिए जाओ, एक चिड़िया एक तिनके को लेकर चली, या एक साधारण भाषा में समझ लो एक मकड़ी एक जाले को बना रही है, और मकड़ी ने जाला बनाना चालू करा। इतने में चिड़िया खिड़की में से दौड़ कर आई, और खिड़की में से आकर चिड़िया खिड़की में बैठकर मकड़ी से बोली, अरे मकड़ी तू भी पागल हो गई है, जाला यहां बना रही दीवार पर, हवा चलेगी जाला टूट जाएगा, कहीं अच्छी जगह जाला बना। मकड़ी ने वहां जाला बनाना बंद कर दिया। अब गई तो दरवाजे के पीछे बनाने लगी। दरवाजे के पीछे मकड़ी जब जाला बना रही थी तो मैं छिपकली आ गया, और छिपकली ने आकर कहा, अरे मकड़ी तू भी जाला कहां बना रही है, दरवाजे के पीछे, कोई भी तोड़ देगा कपड़ा टांगेगा और जाला टूट जाएगा, कहीं अच्छी जगह बना। मकड़ी गई दो दरवाजे के बीच में जो सरंग होती है वहां जाला बनाने लगी। इतने में चींटी आ गया, और चींटी ने आकर कहा, क्या मकड़ी जाला कहां बना रही है, तू बनाने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढना जहां जाला बनाना चाहिए। इतने में मकड़ी चौथी जगह पहुंची और घर के बाहर एक चौखट के पास में जाला बनाने लगी। इतने में फिर चिड़िया आई, वहीं पर एक मक्खी बैठी हुई थी। उस मक्खी ने कहा मकड़ी से, क्यों इनके चक्कर में पड़ती है, तेरी मर्जी पड़े जहां जाला बना ले, तेरा शिकार तेरे पास में आ ही जाएगा और तू सुखी हो। ललाट पर भाग्य में जो लिखा है, जितना लिखा है उतना तो मेरा विश्वनाथ तुम्हारी झोली में डाल ही देता है, ये पक्का। हाँ, तुम जो बेकार कर्म कर आए हो और वो बेकार कर्म तुम्हारा बीच बीच में जो अर्चन देता है, उस बेकार कर्म को तुम्हारा जो भजन है, तुम्हारा जो कीर्तन है, तुम्हारा जो मंत्र जाप है, तुम्हारा जो स्मरण है, तुम्हारा जो नाम जाप है, तुम जो शंकर की कथा सुन रहे हो, शिव महापुराण का स्मरण कर रहे हो, जो तुम भगवान का भजन कर रहे हो, जो तुम नित्य प्रति शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर का अनुमोदन कर रहे हो, शंकर का गुणगान कर रहे हो, तुम्हारा जो बेकार कर्म है वो बेकार कर्म तुम्हारा शिव की भक्ति से वो कटता चला जाए, शिव भक्ति से वो कटता चला जाए। शंकर भगवान ने तुरंत माता पार्वती जी से कहा, माँ दुर्गा जी से कहा, आप जा सकती हो बिल्कुल अकेली, बिल्कुल। अकेले जाने में क्या दिक्कत, मन चंगा तो कठोते में गंगा। अगर आप श्रेष्ठ हो, आपकी बुद्धि आपका चित्त आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो आपको फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अकेली चली जाओगी। हाँ, पर उसने मांगा है आपको मालूम है, ना दो पैर वाला ना चार पैर वाला। दुर्गा जी बोली, यहां पैर का काम ही खत्म कर दूंगी,
उस तरह से मारूंगी इस अरुण असुर को कि वो भी नहीं सोच पाया हो। पैर का काम ही खत्म और माँ दुर्गा खड़ी हो गई उस असुर के सामने और माता दुर्गा ने अपने शरीर से भंवरों को प्रकट करना प्रारंभ करा और माता का नाम पड़ गया बोल भ्रमरी देवी। भंवरे निकलना प्रारंभ हो गए माता के शरीर में से भंवरे ही भंवरे निकले भंवरे। माता के शरीर में से भंवरे ही भंवरे निकले और जब भंवरे ही भंवरे निकलना प्रारंभ हुए माता के शरीर में से खूब भंवरे निकल रहे थे और भंवरों ने जाकर जैसे ही अरुण असुर के ऊपर आक्रमण करना प्रारंभ करा अरुण असुर के प्राण छूट गए क्योंकि इसने मांगा था दो पांव वाला और चार पांव वाला जो पृथ्वी पर भ्रमण करता हो मैं उससे ना मरूं। अब ये पृथ्वी पर भ्रमण ही नहीं करता ये तो हवा में उड़ता रहता है भ्रम। कहा जब भ्रामरी देवी का रूप दुर्गा जी ने रखा और अरुण असुर का संहार करा अरुण असुर का संहार कर माँ दुर्गा वापिस जब पंचायत में आकर बैठी तब शिव जी ने उसी समय पर कहा कि आप पंचायत के सदस्य बनने के लायक हो क्योंकि आप तुरंत जाकर किस तरह से मार रहे हैं ये आपने सोचा है आपने विचार आपने सोचा। आप जाओ फिर निवेदन करूंगा आप सबसे अपनी श्रेष्ठता दूसरे को दिखाना नहीं है हमें अपनी श्रेष्ठता अपने लिए प्रकट करना है। अपनी श्रेष्ठता में स्वयं प्रकट करना दूसरा प्रकट नहीं करना उसमें तो आपका हृदय चित्त प्रबल होना चाहिए। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी मेरे बोले ओ मम बोले मैं काशी सुना है हम ने ओ भोले तेरी काशी में गंगा सुना है हम ने ओ भोले तेरी काशी में गंगा उसी गंगा को नहाने तो मैं काशी नगरी वो दुर्गा कोई साधारण नहीं है वो दुर्गा कोई सहज नहीं है महाराज। शिव पंचायत में माता दुर्गा भवानी
के बैठने के कुछ कारण और है। पशुपति व्रत में पहला दिया जो पांच दिए लगाए जाते हैं उसमें पहला किसका है? जम के बोलो जरा, माँ दुर्गा। दूसरा दीप पशुपति व्रत में जो दूसरे नंबर का दिया लगाया जाता है वो दीप हमारे कुल देवी, कुल देवता, पितृदेव, आहुदेव, वासुदेव, जो भी आपके घर के देवी देवता हैं, उसके निमित्तार्थ लगाया जाता है। दूसरा कुलदेव का मतलब मालूम है आपको? जम के बोलिए जी, कुलदेव का मतलब मालूम है? कुल देवी या कुल देवता का मतलब, कुल देवी और देवता का मतलब होता है जिस देवता से या जिस देवी से आपका अधिक स्नेह जुड़ा हुआ हो वो कुल देवी या कुल देवता कहलाते हैं, जिससे आपका स्नेह जुड़ा हो, जिसके प्रति आप पूर्ण तरह से समर्पित हो, जिसके प्रति आप पूर्ण तरह से समर्पण का भाव लगते हो और जिनकी पूजन और अर्चना आपको श्रेष्ठ लगती है, अच्छी लगती है। क्या काम है कुल देवी देवता का? घर में तीन तरह के तुलसी के क्यारे होते हैं, पहला चौकोर, दूसरा षडाकृति का, छह षडाकृति कमल के फूल जैसा छह आकृति होती है, तीसरा गोल। इन तीन तुलसी के क्यारों में पुराने समय के घरों में सबसे ज्यादा जो तुलसी के क्यारे होते थे वो चौकोर होते थे, गोल होते थे कि षडाकृति के होते थे? सबसे ज्यादा यदि पुराने घरों में तुलसी के क्यारे होते थे, आज भी गांव गांव में, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, साउथ में, आंध्रा में, तमिल में, तुम्हें जहां जाकर देखोगे, उत्तराखंड आदि आदि में सबसे ज्यादा अगर तुलसी के क्यारे मिलेंगे तो आपको चौकोर मिलेंगे। जम के बोलो कौन से मिलेंगे? चौकोर। क्यों होते हैं वो? किस लिए? चौकोर जो तुलसी का क्यारा होता है इसमें पितरों का, कुल देवता का, कुल देवी का, कुल के जितने भी हमारे पूर्वज होते हैं उनका स्थान चौकोर तुलसी के क्यारे में बना हुआ होता है। अपने आप उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम तुलसी के क्यारे में दिया लगाते हैं, तुलसी के क्यारे के पास में दीपक रखते हैं, तो वो दिया केवल तुलसी को नहीं लगता, कुल देवी देवता, पितृदेव, आहुदेव, वासुदेव सबको पहुंचे। अब जरा देखिए हमारा सनातन धर्म देखिए कितना प्रबल होगा। एक चौकोर तुलसी के क्यारे से किस किस चीज की फल की प्राप्ति हो सकती है, यहां तक स्कंद पुराण कहती है। हमारे किस किस के यहां पर चौकोर तुलसी का क्यारा, जरा हाथ उठाओ, सब क्या है? अरे बाबा धर लो, जरा धर लो, बहुत बढ़िया। चौकोर तुलसी का क्यारा किस किस चीज की फल देता है? चौकोर तुलसी के क्यारे में अगर परिधि होती है, परिधि से मतलब होता है चौकोर जो क्यारा होता था उसमें तीन चार परिधियां होती थी अलग अलग, तो उसमें नीचे नीचे से फैला होता था, फिर अंदर से सकड़ा होता था, फिर चौड़ा होता था, फिर सकड़ा होता था, फिर ऊपर जाके चौड़ा हो जाता था। तो तुलसी का जो क्यारा होता था उसमें कुल देवी, कुल देवता, पितृदेव, आहुदेव, वासुदेव और तुलसा महारानी का उसमें स्थान होता था। क्या फल देता है कुल देवी देवता? क्या फल देते हैं चौकोर तुलसी का क्यारा? क्या फल देता है? तो कुल देवी, कुल देवता का क्या काम है? तो उनका एक काम है वंश की वृद्धि करना। इसलिए चौकोर तुलसी का क्यारा वंश की वृद्धि करना, वंश बढ़ाता है। अगर चौकोर तुलसी के क्यारे में बहू विवाह करकर आई, बेटी अगर विवाह करकर आई ससुराल में, और ससुराल में आने के बाद उसने एक नियम ले लिया कि मुझे तुलसी के क्यारे में जल डालना है, घी का दिया लगाना है, दीप लगाना है, तो उसके घर में कभी वंश की कमी नहीं हो सकती, वंश बढ़ेगा ही, चाहे वर देना पड़ेगा। स्वयं यशोदा जी का चरित्र कहता है, स्वयं यशोदा जी का चरित्र, यशोदा जी की माता जी
माता यशोदा की माँ पाटला देवी, और पाटला देवी ने अपनी बेटी यशोदा को कहा, पुत्री मुझे एक संत ने यमुना जी के घाट पर कहा है कि तू ब्राह्मणों का भोजन तुलसी के क्यारे के नीचे कर, और श्रावणी पूर्णिमा के दिन अगर तू ब्राह्मणों का भोजन कराएगी, तुलसी के क्यारे के नीचे दीपदान करेगी, और अगर तू ब्राह्मणों का भोजन कराएगी तो बेटी तेरी भी गोद जरूर संतान से भरेगी, यह पक्का कहती हूँ। माता पाटला देवी ने अपनी पुत्री यशोदा को यह बात कही। तो यशोदा जी ने ब्राह्मणों को बुलाया भोजन करने के लिए। भोजन करने के लिए जब ब्राह्मण आए तो नंद बाबा की तो दाढ़ी सफेद थी, बाल सफेद थे, क्योंकि 60 साल के हो गए। अब यशोदा जी भी 55 की तो हो ही गई होंगी। अब नंद बाबा ने खीर और मालपुआ परोसा, तो थोड़ी देर बाद उन्होंने नंद बाबा ने यशोदा जी से कहा, तू भी खीर परोस कर। अब यशोदा जी खीर परोसने गई तो इतना लंबा घूंघट यशोदा जी ने डाल दिया, पहले के समय में चलता था, माता इतना घूंघट करती थी। अब आज के जमाने में तो वो घूंघट धीरे 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 यहाँ, अब भले ना हो पर पहले तो नियम था कि लंबा घूंघट चलता था। आज के जमाने में तो बहुएं दो बार इतना घूंघट कर लेती है, एक बार जब शादी करके आती है तब इतना घूंघट रखती है क्योंकि मुंह दिखाई होती है तो सोने की रकम मिलती है, और दूसरी बार बहू इतना घूंघट जब रखती है जब घर में बूढ़ी कोई मरे, कोई बुढ़ा बुढ़ी मर गए, कोई डोकरा डोकरी मर गए, कोई घर का बुजुर्ग मर गया, तब इतना घूंघट रखती है क्योंकि आंख में एक भी आंसू तो आते नहीं है, घूंघट डाल कर अल्लाती रहती है। अब उसको तो चिल्लाना है, और बड़ी बड़ी डिजाइन में चिल्लाती है, वो चिल्लाती भी है तो, अरे अम्मा हमको छोड़ के चली गई, हमको भी साथ ले जाती। इतने में पति पास में बैठकर रो रहा था, उसने कोनी मार कर कहा, चुप रहे अम्मा, क्या फोर व्हीलर गाड़ी लेके गई है जो हमको भी ले जाती, चुपचाप बैठी रहे। फिर उसने टॉपिक चेंज करा, दूसरी डिजाइन में रोना चालू करा, और इतनी देर में सास के कान में सोने की मुर्की दिख गई तो रोती रोती घूंघट करके और कान की मुर्गी को तांस से कतर कर, और कतर के मुर्गी रख ली मुंह में, और देवरानी से बोली, अब तू रोले में आई, अभी पानी पी के वो गई अंदर, और सोने की मुर्गी अलमारी में धर के और बाहर आके बोली, अब अम्मा को ले जा। ऐसे चोटे चोटे भरे पड़े। अब सोचो जरा तेरा क्या होगा रे कालिया, विचार करिए। घर में भी चोटे नहीं छोड़े और कथा में भी चोटे नहीं छोड़े, इनका क्या करो। इसलिए अभी तेरे प्रशासन वाले पुलिस प्रशासन कितना ध्यान रखे, और तुमसे हाथ जोड़ जोड़ के वो ध्यान रखो जागते, तो तुम सो रहे थे अभी तक, जागते इतना कितना कहे, सोने की रकम पहन के नहीं आना चाहिए, खोटेला पहन के आओ ना, सोना तो यहाँ है, हीरा तो मेरा शिव है, एक बार अगर शंकर मिल गया तो फिर रकम की जरूरत पड़ेगी। रावण को सोने की लंका दे दी थी एक ही बार में, जा रावण क्या लेकर गया था, केवल एक यज्ञोपवीत धारण कर लंकाधिपति रावण अपने कंधे पर एक जनेऊ पहनकर भगवान शंकर की आराधना कर रहा था, मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ था, कंधे पर जनेऊ पड़ी हुई थी, तो मंदोदरी ने आवाज लगाकर कहा था लंकाधिपति रावण से, हे लंकेश स्वामी, शंकर के दरवाजे पर जा रहे हो, कोई मुकुट नहीं, कोई जेवर नहीं तन पर, कोई आभूषण नहीं तुम्हारे तन पर। रावण कहता है, जिस शिव की आराधना करने जा रहा हूं, अगर मैं अधिक आभूषण धारण कर जाऊंगा तो शंकर भगवान को लगेगा कि मैं तो बताओ शमशान में रहता हूं और ये श्रृंगार करके शमशान आया, मुझे दिखाने आभूषण पहन कर नहीं जाऊंगा, पर जब शिव की स्तुति गाऊंगा तो शंकर मुझे इतने आभूषण दे देगा कि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए आज भी साउथ में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ऐसे कई जगह उत्तराखंड आदि में ब्राह्मण जन जब शंकर की आराधना करते हैं, शिव का रुद्राष्टाध्याय से अभिषेक कराते हैं, पूजन कराते हैं, तो ब्राह्मण तन पर कोई वस्त्र पहने चाहे नहीं पहने, ब्राह्मण की वाणी में जो प्रबलता होती है उस मंत्र को बोलने की, कंधे पर जनेऊ पड़ी होती है, मस्तक पर त्रिपुंड ब्राह्मण के खींचा होता है, तन पर कोई वस्त्र हो ना हो, आभूषण हो ना हो, और शंकर की स्तुति गाता है तो शंकर खुद ही भंडार भर जाता है, शिव खुद दे जाता है। एक बात कहना चाहूंगा आज इस व्यासपीठ से, ब्राह्मण को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, लंकाधिपति रावण जैसा
कंधे पर जनेऊ पड़ी हो, मस्तक पर त्रिपुंड खिंचा हो और शंकर का नाम अगर उसके मुख में है, उसकी जिभ्या पर अगर शिव नाम है, तो फिर शंकर कैसे देता है ये शंकर ही जान सकता है। बस उसकी स्तुति श्रेष्ठ होना। एक बात शिव महापुराण में वर्णन आती है, आप लोगों से भी कहूंगा कि शिव कथा, शिव मंदिर में पूजन, शंकर का अभिषेक, शंकर की आराधना, शंकर की पूजन, शंकर का स्मरण, जिसके हृदय में विश्वास शंकर के प्रति हो, शिव के प्रति जागरूकता हो, सबसे पहला निमंत्रण उसी को देना चाहिए कि इसके भीतर शिव में विश्वास है तो ये शंकर की आराधना, शंकर का स्मरण, शंकर की पूजन, शंकर का अभिषेक, ये हमको श्रेष्ठता में करा देगा। विश्वास ही नहीं होगा उसका यदि शिव में, और आपने अनुष्ठान कर भी लिया तो कोई फल मिलने वाला है? अगर विश्वास है तो शिव है। यज्ञोपवीत कंधे पर हो, मस्तक पर त्रिपुंड हो, अभी ये कथा पूरी होगी और 3 तारीख से रायसेन भोपाल के पास में 40 किलोमीटर दूरी पर रायसेन है। मैं रायसेन वालों से और रायसेन के आसपास वालों से निवेदन करना चाहूंगा, छोड़ना मती। नवरात्रि की त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा है जो कि जीवन का इतिहास रचने वाली, ऐसी सुंदर कथा का आनंद लीजिए। और आप लोग भी टीवी चैनल के माध्यम से उस पावन कथा को 2 बजे से 5 बजे तक श्रवण करिएगा, आस्था चैनल त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा। कि एक मस्तक पर चाहे माताएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे युवान हो, चाहे युवती हो, चाहे बुजुर्ग हो, मस्तक पर मात्र त्रिपुंड लगा लेने से उसका लाभ क्या होता है? एक त्रिपुंड की परिभाषा, त्रिपुंड का सुख क्या है? त्रिपुंड के अंदर कितने देवता बैठे? एक एक रेखा में 9 देवता, 27 देवता त्रिपुंड के अंदर रहते। कंधे पर पड़ी हुई एक यज्ञोपवीत का क्या फल होता है? 12 तिलक, द्वादश तिलक होते हैं, उस तिलक का क्या महत्व होता है? 12 जगह पर त्रिपुंड लगाया जाता है, उसका क्या महत्व है? 12 जगह पर भस्म लगाई जाती है, उसका क्या महत्व है? जब कोई बीमार पड़ जाता है और डॉक्टर कह रहा है कि मुंबई में गठान की जांच होने जाएगी और मालूम पड़ेगा कि कैंसर है कि नहीं, उस समय पर मरीज के शरीर पर किस जगह पर त्रिपुंड लगा दिया जाता है जिससे जांच में कैंसर ही नहीं आता है, उस त्रिपुंड तक का वर्णन है शिव महापुराण। शंकर की भस्म त्रिपुंड का बड़ा व्याख्यान शिव कथा कर, वो क्या नहीं देता? अब कहो तो चोकोर तुलसी का क्यारा क्या बढ़ाता है घर में? जम के बोलो सभी लोग, वंश बढ़ाता है। दूसरे नंबर पर तुलसी का क्यारा होता है षड आकृति का, 6 कोने होते हैं, षड आकृति का षटकोण जैसा होता है, ये काय के लिए होता है? तो कहा ये घर में आने वाली समस्या दूर करता, षड आकृति का तुलसी का क्यारा। और एक तुलसी का क्यारा होता है गोल, जिसको कुंड कहते हैं, कुंडी कहते हैं, जिसमें तुलसी लगी होती है, गोल तुलसी का क्यारा। स्कंद पुराण कहती है ये व्याधियों को हरता है, काय को हरता है? व्याधियों। जिसके घर में गोल तुलसी का क्यारा होता है, घर में अगर अनहोनी होने वाली होती है तो 2 दिन पहले 4 दिन पहले 6 दिन पहले 8 दिन पहले ऐसा हृदय में महसूस होना चालू हो जाता है कि कुछ होने वाला है। जिस जिसकी यहाँ पर गोल तुलसी के क्यारे होंगे उसको इस चीज का अंदाजा होगा कि उसके घर में कहीं ना कहीं उसको भान होने लगता है कि कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा घटने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है, उसको उसको भान हो जाता है, उसको स्मरण हो जाता है। अब उसको लगता है कि ये कैसे मालूम पड़ता होगा, कैसे मालूम हो जाता होगा कि कुछ घटना घटने वाली है, कुछ होने वाला है, तो गोल जो तुलसी का क्या है वो व्याधि को। वो व्याधि का हरण कर ले। 3 कुंडों का स्मरण है महाराज स्कंद पुराण में, आप इसका ध्यान करेंगे तो आपको आनंद की अनुभूति होगी। और करो तुलसा जी का स्मरण किया था, स्वयं माता यशोदा जी ने ब्राह्मण भोज कराया था, इतना घूंघट रखा
खीर परोसने के लिए गई। ब्राह्मणों ने देखा नंद बाबा की दाढ़ी सफेद है, बाल सफेद हैं, ये तो घूंघट इतना लंबा करी है, ऐसा लगता है नंद बाबा के छोरे की बहू है। अब उनको क्या मालूम था कि नंद बाबा की ही धर्म पत्नी है, उनको तो लग रहा है कि बहू है नंद बाबा की, क्योंकि नंद बाबा के बाल सफेद दाढ़ी सफेद, तो उनको तो बहू लग रही। अब इनको लगा कि बहू है, तो इन्होंने देखा कि इनके घर में कोई बच्चा नहीं है, तो सारे ब्राह्मणों ने भोजन करते करते आशीर्वाद दे दिया पुत्र भव। जैसे ही कहा पुत्र भव, यशोदा जी ने पल्लू करा ऊंचा, जैसे घूंघट ऊंचा करा तो यशोदा जी के बाल भी सफेद थे। इतने में सारे संत ब्राह्मण एक दूसरे को कोनी मार के बोले, ये भी डोकरी है, आशीर्वाद गड़बड़ हो गया, नंद बाबा की पत्नी है, अपन समझे थे बहू है, अब इनके घर में छोरा छोरी कहां से आएगा, ये 60 गई है 55 की संतान कहां से होगी। नंद बाबा ने कहा बाबा संत गुरुदेव ब्राह्मण जन आप लोग आशीर्वाद दे रहे हो, पुत्र होने का कहां से होगी, मैं 60 का या 55 की। इतने में ब्राह्मणों ने कहा तुलसी जी के क्यारे के नीचे हम भोजन कर रहे हैं, श्रावण का महीना की श्रावणी है, हम अगर कहते हैं कि पुत्र होगा मतलब ब्राह्मण अगर भोजन करते करते वर दे देता है तो देवताओं को भी उसको स्वीकार कर वर पूरा करना पड़ता ही है, वर पूरा करना ही पड़ता है। इसलिए ब्राह्मण जब भोजन करे तब आपको ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, पर आपकी आदत पड़ी है, महाराज पूरी कैसी बनी है, महाराज के भाटा जैसी बनी है। अरे यहाँ कथा करेंगे कि ब्राह्मण भोजन करे तो बात मत करो, अगर बन सके तो थोड़ी सेवा करो, पूरी परस दो, मीठा परस दो, ज्यादा ब्राह्मण से बात नहीं करना भोजन करते करते। संत साधु ब्राह्मण गुरुजन संत जन महात्मा जन जब भोजन करें तो उनसे ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, कम एकदम परस दिया भोजन, इसके बाद अपने काम में लगो, जो चीज की जरूरत हो लाओ रखो, आराम से पूछो फिर जाओ। पर कईयों की याद आ खीर कैसी बनी, शक्कर तो कम नहीं है, महाराज जी मन में सोचे खाऊं कि गाऊं, तुम जैसा बोलो वैसा कर दो, अब तुम बोलो कि भोजन का बखान गाऊं तो भोजन का बखान गा देता हूं, पूरी अच्छी बनी है, सब्जी में बहुत जोरदार नमक डला है, मिर्ची भी अच्छी है, इसके बाद सब्जी में अचार अचार सब जोरदार है, खीर भी जोरदार बनी, पर अब तुम कहो कि गाऊं तो गा रहे हो, खाने की बात हो तुम्हें, भोजन करते करते जब आत्मा की तृप्ति होती है अंदर से निकलता है कि क्या आनंदमय जजमान है, कितने प्रेम से भोजन कराया है, भगवान इसकी मुराद पूरी करे, इसके मन में जो आए वो कार्य सफल हो। होता है ऐसे ब्राह्मण लोग, पहले के ब्राह्मण और आज के ब्राह्मण में अंतर है, अभी आज का ब्राह्मण इतना थोड़ी ना खाता, एक सेठ जी थे बड़े कंजूस, इतने कंजूस कभी जिंदगी में किसी को भोजन नहीं करा, और उनकी जो धर्म पत्नी थी वो इतनी धर्मात्मा, हर त्योहार पे ब्राह्मण को बुला के भोजन करा। आज सेठ जी ने मन में सोचा मेरी पत्नी आए दिन पूर्णिमा अमावस्या पे ब्राह्मण को पकड़ के ले आती है, अब की बार मैं ऐसा पंडित ढूंढता हूँ जो कम खा। अब सेठ जी गए पास के गाँव में, उन्होंने जाकर पूछा पंडित जी हैं, हाँ हैं, पंडित जी निकल कर आए, सेठ जी ने प्रणाम करा, गुरुदेव प्रणाम, सेठ जी को देखकर महाराज बड़े खुश हो गए, बहुत दिनों के बाद ऐसा जजमान आया है, इतना पैसे वाला जजमान, वाह वाह वाह, आनंद करो सेठ जी आनंद करो। सेठ जी ने पूछा गुरु जी कल अमावस्या है भोजन करने आना है, अरे सेठ जी आप बुलाओ और मैं नहीं आऊं, आऊंगा नहीं, पर एक बात पूछ रहा था मैं आपसे, बोलो कितना खाते हो। सेठ जी के बात सुनी तो पंडित जी ने मन में सोचा यही लिखा था मेरी किस्मत में, कितना खाते हो, पंडित जी बोले चार छह तो पूरी खा लेता हूँ, दो चार कटोरी खीर, दो एक सब्जी का कटोरा और बालू साई मरती भजिया पकोड़ा जो होगा वो इतना 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 चलेगा। इतने में सेठ जी बोले रहने दो, कल अमावस्या नहीं है, अगली अमावस्या पे आना। सेठ जी पास के गाँव में गए, वहां पर एक पंडित जी दिखे एकदम दुबरे पत्र, एक चीटी उंगली के जैसे, छोटी उंगली जैसे एकदम दुबले पत्र, हमारे दो महाराज जैसे ही एकदम दुबले पत्र। अब उन्होंने पंडित जी को देखा, सेठ जी का पंडित जी राधे राधे, पंडित जी बोले राधे राधे, पंडित जी बोले कैसे आना हुआ सेठ जी, सेठ जी बोले कल अमावस्या आए भोजन करने के लिए निमंत्रण देने आया हूं, आप कितना खाते हैं सेठ जी ने पूछा, पंडित जी बोले शरीर देख लो दो रोटी बिना घी की खाता हूं, ज्यादा मीठा नहीं खा सकता शरीर में शुगर है। सेठ जी ने मन में सोचा भगवान की कृपा ऐसा पंडित मिला, सारी बीमारी इसी में भरी है, कुछ नहीं खाएगा,
भगवान कृपा करे आप आ जाओगे कल भोजन करने, धीरे धीरे आ जाओगे। ठीक है, सेठ जी ने घर पे जाके बोल दिया अपनी पत्नी, सुनो पंडित जी आएंगे, अच्छा भरपेट भोजन कराना। सेठ जी को मालूम था कुछ खाने वाला है, भरपेट खिलाना, ये दक्षिणा दे देना, ठीक है अच्छे से जिमाना हो। सेठ जी इतने बोल के गए, पत्नी इतनी खुश हो गई, 40 साल में पहली बार निमंत्रण दिया है किसी पंडित जी को। अब इतने में पंडित जी जाने लगे तो पत्नी ने आवाज लगाया पंडित आयन ने, सुनो हाँ मेरे को काम नहीं करना है तो तुम बच्चों को भी ले जाओ ना, छह ही ये छह तुम्हारे साथ चले जाएंगे। पंडित जी ने कहा छह बच्चे, हाँ ले जाओ, छह ही को ले गया। और झोले में टिफिन भी ले जाओ मेरे लिए भी, लिया ना सेठ जी बड़े दया, टिफिन भी ले। जो पहुंचे सेठ जी तो दुकान पर बैठे थे, पंडित जी जो जीवने के लिए चालू हुए, पंडित जी ने तो थोड़ा सा खाया, जो छह बैठे थे ऐसा निपटाया, ऐसा निपटाया, सब धरा धराया निपटा गया। बचा कुचा था तो डब्बे में बांध के ले गए, दक्षिणा भी ले गए। थोड़ी देर बाद सेठ जी आ गए, सेठ जी ने आकर ला भोजन ला, पत्नी बोली बना लूं फिर ला, तो भोजन होगा ना, आज तो पंडित जी ने भोजन करा, हाँ तो भोजन नहीं है, कितना बना था, बना तो खूब था, तो पंडित जी खा गए, पंडित जी नहीं, पंडित जी के साथ में छह आए थे सब खा गए। इतने में तो सेठ जी को आया गुस्सा, उनने उठाया डंडा और पंडित जी के घर की ओर चले। पंडित जी ने अपनी पत्नी से कहा, वो सेठ बहुत कंजू से आता होगा, बहुत गुस्सा करेगा। पत्नी बोली फालतू की बात मत करो, ये पंडितों की जो पत्नी होगी ना, पंडिताएं थोड़ी जोरदार होती। इनने कहा चुपचाप रहो, पलंग पे सो जा, चादर ओढ़ लो, बाकी की मैं सब निपट लूंगी, तुम चिंता मत करो। और पंडित जी चादर ओढ़ के सो गए। इतने में सेठ जी ने दरवाजा खोला और चिल्ला के बोला कहां है पंडित। इतने में पंडित जी की पत्नी बोली आग लग जाए बस सेठ, ना जाने क्या खवा दिया, आकर मेरा पति निपट गया। सेठ जी ने बोला कहां है पंडित, ये पड़ा मेरा पति, तेरा यही खा के आया था, तेरा ही घर का खाया इसलिए मरा, अब तो तेरे को पकड़ के जेल लेकर जाऊंगी और तेरे को राजा के यहां दंड दिलवाऊंगी, तेरे को जेल में पटकूंगी। इतने में सेठ जी बोले तेरे पांव पड़ू, ऐसा मत कर, तेरे हाथ जोड़ू, नहीं मैं तुझे दंड दिलवा कर रहा हूं, चल मेरे साथ में। और जो गिरबान पकड़ी सेठ जी की, सेठ जी बोले ये 20,000 धर ले तेरे पांव, तेरे तू 20,000 धर। इतने में सेठ जी 20,000 दिए गए, पत्नी ने पति से कहा उठ जाओ, दक्षिणा पूरी आ गई, उठो जा। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, ये कभी नहीं सोचना। ब्राह्मण अगर हमारे घर में आया है, पूजन कराने आया है, अर्चना कराने आया है, अगर कुछ सेवा करने आया है, भगवान की आराधना करने आया है, तो जितनी उसकी मेहनत होती है उतना उसको प्रदान कराना चाहिए, उतना उसको देना चाहिए, उतनी उसकी अर्चना देना चाहिए, उतनी उसकी दक्षिणा देना। क्यों शिव कथा कह रही है, मातृशक्ति दुर्गा भवानी ने आज जब अरुण नाम का असुर मर गया, जितने सारे असुर बचे थे आकाश मंडल में चले गए, और आकाश मंडल में जाकर जलवृष्टि हो रही थी, उसको हाथ में झेलकर पीना चालू कर दिया, सारे जल को पी गए असुर, सारे जल को, पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मच गया, पूरी पृथ्वी पर हाहाकार, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, कहीं पानी नहीं, देवता घबराने लगे, कई वर्ष निकल गए, अकाल पड़ते 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 सब भूख से बिलखने लगे, पानी की खत्म हो गया, पानी नहीं, अकाल पड़ गया, अकाल पड़ गया। सारे देवता एकत्रित होकर शंकर भगवान के पास पहुंचे, शिव जी ने पूछा क्या बात है, कहा भोलेनाथ जी पूरी पृथ्वी पर अकाल पड़ा हुआ है, पानी नहीं है। शंकर भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, आदि शक्ति दुर्गा से कहा दुर्गा ये आपकी आखिरी परीक्षा है, पंचायत में तुम्हें बैठना है, ये आखिरी परीक्षा है तुम्हारी, देवताओं ने आकाश से गिरने वाले जल को अपने हाथों में झेल लिया है, उन राक्षसों ने, उन असुरों ने, अब आप पृथ्वी पर जल लेकर आओ, ऊपर से नहीं लाना है, क्योंकि ऊपर तो असुरों ने झेल कर रखा है, कहीं से भी लाओ, पूरे ब्रह्मांड में पूरी पृथ्वी पर जल की कमी नहीं होना चाहिए, और सूखा नहीं पड़ना चाहिए, अकाल नहीं पड़ना चाहिए, चारों तरफ जल ही जल हो जाए, अब तुम सिद्ध करो कि वो जल कहां से लाओ। विचार करिए जरा, इस जगह पर आप होते तो क्या करते, पंचायत में बैठने वाली मेरी माँ दुर्गा भवानी माँ आदिशक्ति के सामने
प्रस्तुतिकरण देना है। पंचायत में बैठना कुछ सहज वाली बात नहीं है। शंकर की पंचायत का एक एक देवता बड़ा प्रबल है, इसलिए कहते हैं शिव पंचायत का केवल 5 बेलपत्र शंकर भगवान को समर्पित कर देने पर शंकर जी ये जान जाते हैं कि मेरे अकेले को नहीं दिए, पूरी पंचायत को दिए। गणेश, विष्णु, दुर्गा, शिव और सूर्य, ये 5 बेलपत्र जब हम शिव को देते हैं तो पूरी पंचायत को समर्पित हो जाते हैं। 3 बेलपत्र हम शंकर को भगवान को देते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश को प्राप्त हो जाते हैं। 11 बेलपत्र जब हम भगवान को समर्पित करते हैं तब कार्तिक के समय संपूर्ण परिवार को समर्पित हो जाती है। 21 बेलपत्र जब हम भगवान शंकर को देते हैं तो रिद्धि सिद्धि के साथ में संपूर्ण परिवार के साथ में शिवजी को बेलपत्र समर्पित हो जाती है। 31 बेलपत्र जब हम भगवान शंकर को देते हैं तो सारे नक्षत्र और ग्रह के अनुसार शिवजी को समर्पित हो जाती है। 51 बेलपत्र जब हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो ब्रह्मांड के अंतर्गत जितने ज्योतिर्लिंग और उपलिंग हैं उनके अनुसार शिवजी को समर्पित हो जाती है। 108 चाहे चावल का दाना हो, चाहे बेलपत्र हो, चाहे पुष्प हो, चाहे 108 कलश जल के हो, जब हम शिव को समर्पित करते हैं तो 33 कोटि देवताओं को प्राप्त हो जाती है। ये शिव पशुपति व्रत में जब पशुपति व्रत का समापन होता है, विराम होता है तो आपको कहा है कि कुछ भी 108 चढ़ा, बोला है कि नहीं बोला? जम के तो बोलो, बोला है ना? चाहे चावल का दाना चढ़ाओ, चाहे मूंग चढ़ाओ, चाहे बेलपत्र चढ़ाओ, चाहे पुष्प चढ़ाओ, चाहे फूल की पंखड़ी चढ़ाओ, पर 108 चढ़ना। क्यों? हमारी सेवा में, हमारी पूजन में, हमारे व्रत में अगर कोई कमी रह गई हो तो शिव क्षमा करना। 33 कोटि देवताओं को हम ये समर्पित कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ में हमें प्राप्त होता है। पशुपति व्रत का तीसरा दिया, पशुपति व्रत का तीसरा महाराज अखंड सौभाग्य के लिए प्रज्वलित किया जाता है। ये अखंड दीप माँ आदिशक्ति दुर्गा की, जो माँ पार्वती की पुत्रियां हैं अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली और देव, ये शिव की पुत्रियों के नाम से लगाया जाता है, जो अखंड सौभाग्य प्रदान करता है। तीसरा दीप अखंड सौभाग्य तक ही लेकर जाता है। महाराज अब यहां दुर्गा भवानी की आखिरी प्रस्तुति है शिव पंचायत में बैठने की। देखिए जरा, अगर आप होते तो क्या करते? ना नदियों में पानी है, ना तालाबों में पानी है, ना कुएं में पानी है, ना बावड़ी में पानी है, ना जमीन के अंदर पानी है, सब सूखा पड़ा है, अकाल पड़ रहा है और ऊपर आकाश में जल, असुरों ने हाथ लगा रखा है, वो गिरने नहीं, क्या करोगे? जाओ दुर्गा, शिवजी कह रहे हैं जल की पूर्ति करी, जल की पूर्ति करो, जाओ। दुर्गा भवानी चली, और जैसे ही दुर्गा उठी सूर्य देवता ने कहा, आप जा तो रही हो दुर्गा, आप जा तो रही हो देवी, पर आपको मालूम है मेरे सूर्य की चमक को भी असुरों ने रोक रखा है। सूर्य की चमक को भी असुरों ने रोक रखा है, तो पानी कैसे लाओगी, जल कैसे लाओगी आप? मेरा माताओं से और बहनों से और बेटियों से एक निवेदन है, माता दुर्गा को भी कहीं कहीं परीक्षा देना पड़ गई थी, घबराना मती मेरी बेटी। जब आपकी शादी होती है ना, ससुराल जाती हो ना, शादी होने के बाद जब ससुराल जाती हो तो मायके का जो सुख होता है ना, वैसा सुख ससुराल में नहीं मिलता। कभी कभी विषम परिस्थितियां आकर खड़ी हो जाती है, दुख तकलीफें आकर खड़ी हो जाती है, परिवार में क्लेश आकर खड़ा हो जाता है, कहीं तकलीफें आकर खड़ी हो जाती है, कहीं पति अपशब्द कहता है, कहीं सास अपशब्द कहती है, कहीं ससुर अपशब्द कहता है, कहीं परिवार के लोग ताने देते हैं। इतनी विषम परिस्थिति में जब तुम खड़ी हो
तो शंकर भगवान की शिव पंचायत को याद करना कि दुर्गा जी को भी परीक्षा देना पड़ी थी, हारी नहीं थी माँ। ऊपर से पानी नीचे नहीं आ सकता था, नीचे का पानी ऊपर नहीं आ सकता था। तब दुर्गा के सामने प्रश्न खड़ा था कि पूरी पृथ्वी को सिंचित करना है, पूरी पृथ्वी को हरी भरी करना है, पूरी पृथ्वी पर जल करना है। तब दुर्गा महारानी सूर्य नारायण कह रहे हैं, क्या करोगी? आपके सामने भी प्रश्न खड़ा हो सकता है। पति सुनता नहीं है, अब शब्द कहता है, सास सम्मान नहीं देती, ससुर आड़ा टेढ़ा बोलता है, देवर जेठ मानते नहीं है, बच्चे सुनते नहीं है, इतनी दुखी हो जाती हो आप कि सोच लेती हो कि अब मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, या मायके चली जाऊं तो अच्छा। गलती करी थी सूर्य नारायण भगवान की धर्म परंपरा में। भगवान सूर्य की धर्म पत्नी ने भी गलती करी थी है। ये कथा वहां तक जाती है कि सूर्य नारायण भगवान की धर्म पत्नी संज्ञा देवी, पति का तेज इतना प्रबल था, तेज मतलब क्रोध, उसको जान लिया। आपके जीवन में भी ऐसा हो सकता है, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो सकता है पति गलत विचारों का हो, गलत सोच का हो, अपशब्द कहने वाला हो, ताने देने वाला हो, आड़ा टेढ़ा बोलने वाला हो। तो यहाँ शंकर सूर्य नारायण भगवान की धर्म पत्नी संज्ञा देवी से भी गलती हो गई थी, वो गलती तुमसे नहीं होना चाहिए, वो गलती तुम्हारे से नहीं होना चाहिए जो सूर्य नारायण भगवान की पत्नी ने करी। और सूर्य नारायण भगवान की पत्नी संज्ञा देवी ने देखा कि मेरे पति का तो तेज इतना प्रबल है कि इनके पास मैं बैठ नहीं सकती जाकर। मैं इनके पास बैठ नहीं सकती। तब उसी समय विचार आया, क्या करा जाए, क्या करूं मैं? फिर भी संज्ञा देवी ने कुछ वर्ष सूर्य नारायण भगवान के साथ रही। तीन संतान हो गई संज्ञा देवी के गर्भ से, पहला वैवस्व मनु, दूसरा यमराज, तीसरा यमुना। कितनी संतान हुई जम के बोलो जरा, तीन, पहला वैवस्व मनु, दूसरा यमराज और तीसरी यमुना। संज्ञा देवी के गर्भ से तीन संतान हो गई, पर संज्ञा देवी अभी भी यही सोच रही है कि मैं पति के क्रोध को कैसे शांत करूं, पति का तेज कैसे शांत करूं, पर तेज शांत नहीं होता। तो संज्ञा देवी एक बार स्नान करने गई, अपने शरीर में से उन्होंने छाया को प्रकट कर दिया, खुद छाया को प्रकट करी, अपना एक स्वरूप प्रकट करा और छाया से कहा, छाया तुम जाओ सूर्य नारायण के साथ में रहना, मेरे बच्चों का ध्यान रखना, मेरे पति की अर्धांगनी बनकर रहना, क्योंकि उनका तेज बहुत तेज है, तो मैं नहीं रहना चाहती। और संज्ञा देवी अपने पिता दक्ष के यहाँ पहुंच गई, माय संज्ञा माय के पहुंची और मायके चली गई। वो मायके जाने वाली माँ संज्ञा का हाल क्या हुआ है कि मायके पहुंचते से ही पिताजी ने पूछ लिया, संज्ञा कैसे आना हुआ तुम्हारा, कैसे आई हो तुम यहां? पिताजी अब मैं यहीं रहूंगा। पिताजी ने कहा यह घर तुम्हारा नहीं है, शादी होने के बाद बेटी का सही घर उसका ससुराल होता है। संज्ञा कहती है सूर्य नारायण भगवान का तेज बड़ा तीव्र है। पिता बेटी को समझा कर कहते हैं, बेटी अरे लाडो सुनो, बेटी जो ललाट पर लिखा हुआ है वो तो होकर रहे, अगर तुम एक लड़का ठीक नहीं है उससे तलाक ले भी लोगे, दूसरी जगह शादी करोगी, हो सकता है वो भी भेरू ऐसे ही निकले, तो कोई जरूरी है क्या? अरे जमके तो बोलो जी जी सही है कि गलत है, हो सकता है वो भी ऐसे ही निकले, तो इस पे कम सिंदूर चढ़ा हो उस पे ज्यादा चढ़ गया, हे तो भेर हुई, कोई काल भेर हुए, कोई बटुक भेर हुए, हे तो भेर हुई, तुमने यह निर्णय गलत लिया। संज्ञा देवी को क्रोध आया। जब पिता बेटी को समझाता है ना तो बेटी को गुस्सा आता है, तो मैं क्या मरने के लिए वहां रहूं? बेटियां ऐसा शब्द कह जाती हैं, क्या करूंगी मैं वहां रहता, जहां पर मेरा सम्मान नहीं मेरे को वहां रहना नहीं। तो पिता ने बेटी को समझाया, क्योंकि बाप बाप होता है, एक बार मेरा प्रत्येक पिता से प्रत्येक माता से निवेदन है,
बेटी की तलाक की नौबत आए उससे पहले एक बार बेटी को पिठा कर समझाओ जरूर कि किस्मत में लिखा होगा वो होना ही है, तो कितना ही कर ले। इसलिए थोड़ा एडजस्ट करिए, थोड़ा संभल कर चलिए, थोड़ा समझ कर चलिए। परिवार तोड़ो मत ही। आज के जमाने में अदालत में सबसे ज्यादा केस है केवल तलाक के, सबसे ज्यादा केस चल रहे हैं तलाक। बेटी को समझाओ, संज्ञा जैसी गलती मत करना। पिता ने समझाया, संज्ञा मानी नहीं, नहीं मानी, जाने लगी। माँ आ गई, माँ ने समझाया, बेटा क्या चाहती हो? बस मुझे ना ससुराल में रहना, ना मुझे मायके में रहना, मैं तो अपना काम खुद कर लूंगी, मैं तो खुद जॉब कर लूंगी, नौकरी कर लूंगी, मैं सब करने में अग्रणी हूं, मैं सब कर सकती हूं। माँ ने कहा, बेटा तू मेरी बेटी भी है, तू मेरा बेटा भी है, तू सब कुछ कर सकती है, मना नहीं है, पर थोड़ा सा एडजस्ट करना तो सीख। अगर ऑफिस में जाएगी नौकरी करने, कोई कुछ बोल देगा तो क्या तू ऑफिस की सर्विस छोड़ के आ जाएगी? सोचो जरा बेटा, अगर अगर तुम नौकरी कर रही हो, व्यापार कर रही हो, व्यवसाय कर रही हो, कुछ काम कर रही हो, कुछ व्यापार में लगे हो, कुछ अच्छा करने के लिए जा रहे हो, वहां अगर कुछ हो गया तो तुम क्या वो काम छोड़कर आ जाओगी? जैसे यहाँ तुम अपना घर छोड़कर आ गई। समझाओ बेटी को, माँ ने समझाया, बेटी नहीं मानी, माँ की आंख से जल बहने लगा। संज्ञा देवी को समझा समझा कर दे गई, सूर्य नारायण भगवान की पत्नी को समझा समझा रहे। अब देखो ये तो यहाँ आ गई, वहां कौन है? जम के बोले छाया, उसको पति का क्रोध क्रोध नहीं लग रहा, और छाया गई, और जाने के बाद में उसके यहां भी तीन संतान हो गई, उसके यहां भी तीन संतान, उसके यहां भी एक मनु, दूसरा शनि, तीसरी ताप्ती। वहां भी दो पुत्र थे एक बेटी थी, छाया से भी दो पुत्र एक बेटी थी, संज्ञा से तीन थे, वैवस्व मनु, यमराज और यमुना जी, और यहां छाया से भी तीन थे, विवस्मनु, शनि महाराज और ताप्ती नदी। आपके पास में होगी, यहां से शायद बैतूल के पास में आती है ताप्ती। वहां भी तीन होंगे। अब छाया भी तो रह रही है ना, छाया भी तो रह रही है। संज्ञा देवी को फिर समझाया, माने मानी नहीं, आखिरी में संज्ञा नहीं मानी। पिता ने भी समझाया, माने भी समझाया, तब घोड़ी का रूप रखकर वन वन में घूमने लगी। कौन? संज्ञा देवी, सूर्य नारायण भगवान की पत्नी, वन वन घूम रही। अब कहती है मैं तब साधना करूं, अब कहती है मैं तब साधना में लगूं। जब अश्व का रूप रख लिया, घोड़ी का रूप रख लिया, तब साधना में लगूं। छाया का पुत्र हुआ शनि, सूर्य नारायण भगवान ने देखा शनि महाराज को, तो छाया से कहा यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता, मैं इतना सुंदर, तुम इतनी सुंदर, और तुम्हारा बेटा इतना काला, ये शनि इतना काला। शनि जन्म लेते से ही शिव भक्ति में डूबे हुए थे। शनि महाराज जब बड़े हुए, उनको मालूम पड़ा कि मेरा पिता तो मुझसे बात नहीं करता क्योंकि मैं काला हूं, इसलिए मेरा वर्ण, मेरा स्वरूप काला है, इसलिए मेरा पिता मुझसे बात नहीं करता। और बार बार छाया देवी को अपशब्द कहते हैं कि छाया ये तुम्हारा पुत्र है, मेरा पुत्र नहीं हो सकता। एक दिन शनि महाराज को क्रोध आ गया, और शनि महाराज ने घूर कर अपने पिता को देख लिया। पिता का शरीर में रोग उत्पन्न हो गया, पिता का शरीर काया गिरने लगी, जैसे चंद्र की काया गिरी थी तो शंकर का भजन करा था। कौन सा ज्योतिर्लिंग बना था? चंद्रदेव के नाम से सोमनाथ। चंद्र की काया गिरी, शिव की आराधना करी, देव ऋषि नारद के कहने पर तो सोमनाथ उत्पन्न हुए थे, और सूर्य का शरीर टपकने लगा, सूर्य का शरीर गलने लगा, सूर्य नारायण देवता का शरीर बेकार होने लगा। शनि महाराज ने केवल घूर कर देखा था कि मेरे पिता मुझे अपनाने को तैयार नहीं, मैं पुत्र हूं, मैं बेटा हूं। सूर्य नारायण भगवान का शरीर गलकर नीचे गिरने लगा। जब सूर्य नारायण भगवान का शरीर नीचे गिरने लगा, तब उसी समय पर देव ऋषि नारद का आगमन हो गया। क्या बात है सूर्यदेव,
क्या हो गया, क्या हुआ? सूर्यदेव कहते हैं समझ में नहीं आ रहा, मेरा शरीर, मैंने अपने पुत्र को गलत कह दिया, अपनी पत्नी पर शंका करा मैंने, मेरा पुत्र काला हुआ था तो मैं इसको स्वीकार नहीं कर रहा, इसलिए मेरा शरीर। देव ऋषि नारद कह रहे हैं सूर्यदेव सहज नहीं है, शंकर का भक्त है शरीर, किसी शिव भक्त का हृदय दुखाना मतलब नष्ट हो जाने के बराबर है। सूर्य देवता ने हाथ जोड़ लिए, देव ऋषि नारद कुछ कृपा कर दो, मेरा शरीर अच्छा हो जाए, आप करुणा करो। चंद्र देव की काया सही करी थी तो सोमनाथ हुए थे, और सूर्य देव की काया सही करी थी तो शूल टंकेश्वर हुए थे। शिव जी का क्या नाम पड़ा था, जम के बोलो शूल टंकेश्वर, जम के बोलो एक बार शूल टंकेश्वर, सूर्य नहीं शूल, शूल टंकेश्वर। कहां पर है ये मंदिर? गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर, प्रयागराज में, बट वृक्ष के पास में, सिद्ध बट के पास में शूल टंकेश्वर महादेव का मंदिर है, जहां पर देव ऋषि नारद ने शंकर भगवान की आराधना सूर्य देवता से कराई। आज भी जब शरीर में कहीं सफेद दाग पड़ जाता है, काला दाग पड़ जाता है शरीर में, या आंख के नीचे काला पन आ जाता है, तो शूल टंकेश्वर महादेव के नाम से शिवजी पर जल चढ़ाया जाता है, और उस जल का भाग लाकर शरीर पर लगाया जाता है। जहां पर भी दाग होता है शरीर में से, वो धीरे धीरे समाप्त होना चालू हो जाता है, इतना शूल टंकेश्वर महादेव का वर्णन। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर, सिद्ध बट के पास में शूल टंकेश्वर महादेव का मंदिर है, जहां पर भगवान सूर्य नारायण ने शंकर जी का स्मरण किया। देव ऋषि नारद वहां बैठे हैं, आनंद छाया है, देव ऋषि नारद अपनी भक्ति में लगे हैं, अपनी भक्ति। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, सब गाइए नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण। चमड़ी निकलने लगे, काया का रोग हो गया, शरीर में से फुर्तियां निकल रही हैं, चमड़ी कहीं से गलने लगी, चमड़ी कहीं से सड़ने लगी। महाराज भगवान शूल टंकेश्वर के नाम से बेलपत्री के बीच का जो भाग है, जहां से हमने उंगली से पकड़ा, ध्यान ध्यान दो पत्तियां हैं, एक पत्ती यहां है बीच में जहां बेलपत्री का भाग होता है, यहां पर घी, गाय का दूध का जो घी बनता है, परंतु होना चाहिए गाय का घी, को बेलपत्री के बीच में शूल टंकेश्वर महादेव का नाम लेकर लगाकर 21 बेलपत्री शंकर भगवान को शूल टंकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाएं, उसी घी को वापस पत्तियों में से निकाल कर लेकर जाएं, और उसको कटोरी में रखकर जहां चमड़ी गल रही हो, सड़ रही हो, या शरीर में कहीं फुलकरियां निकल रही हो, चर्म रोग हो गया हो, उस स्थान पर गाय का घी, शूल टंकेश्वर महादेव की चढ़ी हुई बेलपत्री का घी लगाना चालू कर दें, 8 दिन में आराम लगना प्रारंभ हो जाता है शूल टंकेश्वर। आस्था चैनल पर कट हो जाए, पर माता दुर्गा जी ने अपनी जो जल वृष्टि कहां से करी थी उस कथा तक अपन पहुंचेंगे। तो दूसरा, यदि गर्भस्थ बच्चा, गर्भ में बच्चा आता है, 3 महीना 4 महीने तक गर्भ ठहरता है और गर्भ समाप्त हो जाता हो, नारी का पूरा गर्भ नहीं रहता हो 9 महीना 10 महीने का, अगर बार बार गर्भ शांत हो रहा है, बार बार गर्भ गिर रहा है, तो महाराज धतूरा
धतूरा, उस धतूरे का जो फल होता है उस धतूरे के फल को फोड़ना, धतूरे का जो फल है उसको तोड़ दीजिए, तोड़ के अंदर से उसका भाग निकालना, उस भाग को बेलपत्री के पेड़ के नीचे महाराज शूल टंकेश्वर महादेव के नाम से छोड़ दीजिए और तीन बार उस पर जल चढ़ा दीजिए। उसके बाद में गर्भ में जो संतान होगी वो शांत नहीं होगी, पूरा बच्चा होगा और सुरक्षित होगा। शूल टंकेश्वर भगवान शंकर का स्मरण करा, जो संज्ञा देवी ने शब्द कहे ऐसी गलती हमसे ना हो उसका स्मरण। आता है जीवन में, नारी के जीवन में एक समय ऐसा आ जाता है कि नारी को परीक्षा देना पड़ सकती है, घबराना नहीं, उस समय पर हमें घबराना नहीं, हो सकता है परीक्षा देना पड़ जाए जीवन में। माँ दुर्गा से कहा भोलेनाथ जी ने, जाइए जाओ, और दुर्गा जाकर ऊपर आसमान से आकाश से भी जल नहीं आएगा, नीचे से भी जल नहीं आएगा, जल तुम्हें प्रकट करना है, कहां से करती हो, अब ये तुम्हारे ऊपर है। माँ दुर्गा जब चली, सूर्य भगवान माँ दुर्गा को देखकर कहते हैं, अरे ओ दुर्गा, ओ देवी, तुम कैसे जल प्रकट करोगी। बहुत विकट समस्या में आकर खड़े हो जाती है कभी कभी स्त्री, कभी कभी नारी, कभी कभी घर की माता। एक समय ऐसा आ जाता है कि उसको सोचना पड़ जाता है, मैं क्या करूं, क्या करूं, कोई मेरा साथ ही नहीं दे रहा, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, मैं क्या करूं। मां दुर्गा चलिए, सूर्य नारायण भगवान को कहती है, मां सुनो भास्कर देव, आदित्य देव, हे भास्कर देव, आदित्य देव, आप मेरी बात स्वीकार करिए, आप रुकिए, शिव का आदेश है, शंकर का आदेश है, और यदि एक बार शंकर पर विश्वास करा है, शिव स्मरण में लगे हुए हो, शंकर की भक्ति में लगे हो, शंकर के आदेश में लगे हो, तो घबराना मत। जैसे शिव महापुराण में कहते ना कि एक लोटा पानी शिव जी को चढ़ाओ, एक चावल का दाना चढ़ा दो, मूंग चढ़ा दो, या फूल चढ़ा दो, या बेलपत्री चढ़ा दो, जो तुमने चढ़ाया मतलब शिव का आदेश है, तो मतलब आपने अगर आदेश मान लिया तो कार्य सफल हो गया। माँ दुर्गा चली और हो गई माँ शेर पर सवार, बाहर आई भवन, माद शक्ति ने पहले तो खोले अपने बाल, बोल बमलेश्वरी माता, पहले तो माने बाल खोल लिए, और महाराज वो कहते हैं, अरे माता का दरबार सुहाना लगता है, सारे जग में जाना पहचाना काल के पंजे से मेरी माँ बचाती है, डूबती नहीं आंख भव से, आप तो गाई नहीं रहे हो साथ में, तो बोलो, काल के पंजे से मेरी बचाती है, डूबती नहीं आंख भव से, हाथ खाली आ गया हूँ माँ तेरे द्वारे, हाथ खाली आ गया हूँ माँ तेरे आंगन, आज खुशियों से भरो माता मेरा दामन, माता के चरणों में ठिकाना लगता है, दुनिया में जाना पहचाना लगता है। भगवान शिव की कथा कर रही है माँ, आतिशक्ति माँ दुर्गा भवानी, अष्टभुजा धात्री माँ अम्बे, दुर्गा को कहा जाओ जल कहीं से भी लाओ, पर लाओ, जाओ तुम यहां से। मां देवी गई, मात्र 5 मिनट की कथा हो रहे, आप लोग बैठेंगे और आनंद लेंगे, क्योंकि शिव पंचायत में 5 दियों के महत्व को जानना है तुमको। मां तुरंत गई दुर्गा देवी माँ, और जाकर अब जल कहां से लाएगी माँ, स्त्री के पास, नारी के पास,
जब सब दूर से हार जाती है, हर जगह से जब हार गई होती है, तब जल कहां से आता है? तो कहां नैनों से अश्रु आता है। कहां से आया है? नैनों से। माँ दुर्गा ने शकंभरी रूप धारण कर लिया। बोल शकंभरी माता की। माता ने शकंभरी रूप धारण करा, हजारों नेत्र माता ने बना लिए और सभी आंखों से रोना चालू करा। माँ घूमती जाए, रोती जाए, पूरी पृथ्वी को हरा भरा मेरी माता ने फिर कर दिया, वापिस हरा। कहते हैं जब नारी भगवान के मंदिर में जाकर रोती है या गुरु के दरवाजे पर उसके आंसू आते हैं, परमात्मा की शरणागति में शिव के दरवाजे पर जब उसके आंसू आते हैं, तो कहते हैं घर में जितना दुख होता है वो सब धुल गया होता है और संपदा बढ़ गई होती है। महाराज भगवान के आगे रो, संसार के आगे, भगवान के आगे रो, संसार के आगे। माँ शकंभरी रूप धारण कर ली। बोल दुर्गा भवानी की। पशुपति के कितने दिए हो गए? तीन, दो रह गए, कल की कथा में लेंगे, ठीक है। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की।